तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अमन अजमेरी। इतने टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत टाइम से, जैसे कि सबको पता है कि मैं इनएक्टिव था सोशल मीडिया के ऊपर, तो आज मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के रिलेटेड जो मेडिकल प्रोसेस होता है कनाडा के लिए, तो उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ। बहुत लोगों के कॉमेंट्स आ रहे थे कि मेडिकल के ऊपर एक वीडियो बना, तो मैंने सोचा कि ये मेडिकल के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो जैसे कि मैं मेडिकल की बात करूँ, तो जैसे कि आप अगर आप कनाडा के लिए फाइल रखते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो बॉम्बे या तो फिर अहमदाबाद मेडिकल आप करा सकते हो। तो जैसे आप मेडिकल कराते हो, तो आप अगर अहमदाबाद सिलेक्ट करते हो तो आपको अहमदाबाद के अंदर दो हॉस्पिटल, एक केडी हॉस्पिटल और एक अपोलो हॉस्पिटल, दोनों के दोनों इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। और अगर आप केडी हॉस्पिटल सिलेक्ट करते हो तो बहुत ही बेटर है। आज इस वीडियो में आपको मैं डिफरेंस बताने वाला हूँ कि केडी हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल के बारे में। फुल डिटेल आपको इस वीडियो में मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो मेरे वीडियो को, और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करो जो भी कनाडा जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि केडी हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल के बारे डिफरेंस और एडवांटेजेस के बारे में। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कुछ भी नहीं, दोनों की प्रोसेस सेम ही है। बट एडवांटेज की बारे में बात करें तो केडी हॉस्पिटल फर्स्ट नंबर पे आता है, क्योंकि केडी हॉस्पिटल का जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी हो जाता है। मेडिकल प्रोसेस अराउंड 3 आवर तक खत्म हो जाता है, और जो अपोलो हॉस्पिटल का प्रोसेस है वो 5 आवर तक चलता है टोटल। तो बहुत ही बड़ी प्रोसेस हो जाती है। अगर आप केडी हॉस्पिटल में ऑनलाइन बुक करते हो तो आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आपको बुक अपॉइंटमेंट बुक करानी पड़ती है। अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना ना आता हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको मैं डायरेक्ट उनका नंबर दे दूंगा और आप डायरेक्ट वहां जाके आप उनको कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। तो अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा, पासपोर्ट की 3 जेरोक्स लेके जानी पड़ेगी, पासपोर्ट साइज के 3 फोटोज लेके जाने पड़ेंगे, ऑफर लेटर कलर जेरोक्स लेके जाना पड़ेगा, और कोविड का सर्टिफिकेट मैंडेटरी आपको चाहिए रहेगा। जैसे आप ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके आप अंदर एंटर करते हो तो आपको मास्क पहना जाएगा, फिर आपको सैनिटाइज करके अंदर भेजा जाएगा। जैसे अंदर भेजा जाएगा तो आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा, उस टोकन नंबर को लेके आपको एक फॉर्म फिलअप करना है। आपका नाम, ईमेल आईडी, नंबर और एड्रेस आपको लिख के कनाडा स्टूडेंट वीजा के बारे में लिख के आपको वो फॉर्म सबमिट करना है। जैसे आप वो फॉर्म सबमिट करोगे तो वो फॉर्म आपको प्रोसेस आगे चली जाएगी और आपको एक वेटिंग एरिया में बिठा दिया जाएगा। वेटिंग एरिया में बिठा देने के बाद आपको आपका नेम वाइज आपको अंदर बुलाया जाएगा। तो फर्स्ट आप वेटिंग एरिया में जाके आप बैठते हो तो आपको पहले आपका नाम लिया जाएगा कि आपका जो भी एक्स वाई जेड जो भी नेम हो आपका नेम लिया जाएगा। उसके बाद आपको नेम लिया जाएगा तो आपको अंदर जाना है और आपको फर्स्ट प्रोसेस में आपका जो है हाइट चेक करेंगे, वेट चेक करेंगे, और आपको वहां एक फोटो लेंगे और वहां पे आई विजन चेक करेंगे। जैसे आई विजन चेक हो जाता है आपको भी 2 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद आपको सेकेंड स्टेज में बुलाया जाएगा, वहां पे एक जो डॉक्टर होगा वो आपकी बॉडी चेक करेगा। जैसे कि आपको एक प्राइवेट रूम में लेके जाएंगे और उसको आपको बोलेंगे कि आप टी शर्ट उतारो, और ये सब आपको हर जगह चेक करेंगे, नीचे ऊपर हर जगह चेक करेंगे। तो नीचे मोस्ट ऑफ नहीं करते हैं, बट पैर तक ऐसा देखते हैं कि कहीं पे स्टिचेस या मार्क बर्थमार्क ऐसा सब कुछ नहीं है। तो वो जैसे कि आपका वो कंप्लीट होता है तो आपको ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद आपको अगेन वेटिंग एरिया में बिठा दिया जाएगा और आपको बोलेंगे कि वेट करो आगे की न्यू प्रोसेस के लिए। जैसे आप आपका ब्लड प्रेशर चेक हो जाए, आप आगे जाते हो तो आपको एक बीच में सर्कल जैसा होगा, वहाँ पे बहुत सारे स्टाफ बैठे होंगे, तो वहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट्स, ये जो आपने चेकअप कराया, सब ऑटो प्रोसेस हो जाएगा कंप्यूटर के अंदर। तो आपको वो कंप्यूटर के अंदर आपको बिठा के आपका नाम और पासपोर्ट मांगेंगे और आपको वो लेके जाके आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आपको 5900 करना है, जो कि इंडियन करेंसी में करना है आपको वहाँ पे। तो आप जैसे 5900 पेमेंट करते हो तो उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस में भेजा दिया जाएगा। वेटिंग एरिया में बैठाने के बाद आपको एक चेस्ट का एक्सरे लिया जाएगा। चेस्ट का एक्सरे लेने के बाद आपको 2 मिनट और वेटिंग करना पड़ेगा। वेटिंग करने के बाद आपको जो लास्ट का जो आपका फाइनल स्टेज प्रोसेस होगा, तो आपको उस रूम में ले जाएंगे, और आपको उस रूम में ले जाने के बाद आपका जो ब्लड है, ब्लड लेंगे इधर, यहाँ पे जो इधर नस आती है ना, तो वो नस में आपका सुई घुसा के आपका ब्लड लेंगे एक डब्बी में, और वो ब्लड के बाद आपको इधर बैंडेज मार के 2 मिनट रेस्ट देंगे। उसके बाद आपको एक डब्बी देंगे, उसमें आपका यूरिन चेक होगा। जैसे यूरिन चेक होने के बाद आपको है ना फाइनल स्टेज में बिठाया जाएगा, और 15 से 20 मिनट के अंदर, यानी 15 टू 20 मिनट के अंदर आपको ई मेडिकल शीट दे दी जाएगी, जो कि 3 पेज की होगी। उसके अंदर आपकी टोटल डिटेल होगी, पासपोर्ट नंबर होगा, ये सब आपकी ईमेल आईडी और ये सब नंबर होगा। उन लोग जब आपको ई मेडिकल शीट दे देंगे, वो 3 पेज की होती है, वो लेके आपको तुरंत घर आ जाना है, और वो सिक्योरिटी गार्ड आपको देने आएगा, और वो सीधा आपको बोल देगा कि आप जाओ यहाँ से, जब भी आप वीजा फाइलिंग करोगे आपका पासपोर्ट नंबर डालेंगे तो वो सीधा
जो मेडिकल प्रोसेस है वो सीधा आपकी फाइल में अपडेट हो जाएगा। तो ये थी आज की मेडिकल प्रोसेस कनाडा के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, कि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो बने रहेगा मेरे चैनल के ऊपर। थैंक यू।